everybody can learn English, you can learn English. Welcome to the ECLE or welcome to the 5-Minute English. आज 5-Minute English में हम जानेंगे कुछ important topic और एक ऐसा important topic है, issue है English से related जो हमेशा सबके मन में रहता है कि हमें अगर अंग्रेजी बोलना सीखना है, if we want to learn English, so हमें एक पार्टनर चाहिए क्योंकि बिना पार्टनर के अंग्रेजी बोली नहीं जा सकती है, इट इज़ इम्पॉसिबल. तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि बिना पार्टनर के आप अंग्रेजी बोलना कैसे सीख सकते हो, बिना पार्टनर के आप अंग्रेजी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे अपनी स्पीकिंग स्किल्स को अच्छा बना सकते हो बिना पार्टनर के. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन दबाएँ ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके. तो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को कि बिना पार्टनर के अंग्रेजी कैसे बोल सकते हो. तो मैं 100% कह सकता हूँ बिना पार्टनर के आप अंग्रेजी बोल सकते हो, यहाँ की कि यहाँ तक कि आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हो. अपनी जो क्या बोलते हैं हम जो गलतियाँ जो मिस्टेक्स जो हम गलतियाँ करते हैं वो भी हम सुधार कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में. तो मेरा बस वही है कि हम कैसे कर सकते हैं. तो मैं सिर्फ दो तरीके डिस्कस करूंगा. पहला तरीका क्या है कि आप छोटे छोटे टॉपिक बनाओ, दूसरा तरीका है कि आप वीडियोस बनाओ. ठीक है, तो अगर फर्स्ट तरीके की अगर बात करें तो आप छोटी छोटी रिकॉर्डिंग शुरू कर दो. जैसे छोटा सा टॉपिक ले लिया और मोबाइल लिया, मेरे पास मोबाइल है, ये छोटा सा मेरा फर्स्ट मतलब ये मैंने लिया था मोबाइल 2017 में. ठीक है, इसके बारे में बताऊँ तो इसमें अपन कर सकते क्या कर सकते इसमें आप टॉपिक को कोई भी आप एक टॉपिक लो चूज़ करो, उसको अंग्रेजी में बोलना है. क्या करना है, अंग्रेजी में बोलना है और फिर उसके बाद आपको लिसन करना है, उसके बाद आपको सुनना है. ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप का जो कॉन्फिडेंट है वो बिल्डअप होगा, एज वेल एज आप अपने आप को सुन पाओगे और जहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो वहाँ आप मिस्टेक को सुधार कर सकते हो आसानी के साथ वेरी इजीली. तो मैं देखो मैंने ये मोबाइल है, ठीक है, ये ऑप्शन है क्या, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है. ठीक है, तो कुछ नहीं करना, कोई भी एक टॉपिक ले लिया, कार है, बस है, मोबाइल फ़ोन है, कुछ भी है. तो मैंने एक सिंपल टॉपिक ले लिया, मोबाइल फ़ोन सिंपल टॉपिक ले लिया. आप कोई बड़ा टॉपिक भी ले सकते हो, इट इज़ डिपेंड ऑन आपका लेवल कैसा है. ठीक है, तो मैंने बड़ा टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक ले लिया मोबाइल फ़ोन और मैं इसको रिकॉर्डिंग करूँगा. तो मैंने जैसे बोला कि हेलो, सॉरी ये रिकॉर्डिंग मैंने वॉक कर रहा था, क्या कर रहा था, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन था, तो ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है. ठीक है, तो क्या करना है आपको, सिर्फ एक टॉपिक लेना, कोई भी लेना, जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन ले लिया मैंने पहले बोला था, और बस बोलना शुरू कर देना. क्या करना कि हेलो फ्रेंड्स या हेलो आई एम जो भी आपका नाम हो, मैं बोला राहुल एंड टुडे आई विल स्पीक अबाउट द मोबाइल फ़ोन. मोबाइल फ़ोन इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड यूजफुल फॉर अस, विदाउट मोबाइल फ़ोन वी कैन नॉट डू एनीथिंग. मोबाइल फ़ोन इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, लाइक वी कैन टॉक टू द मोबाइल फ़ोन, वी कैन मेक रिकॉर्ड द वीडियो, वी कैन अर्न मनी फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन, वी कैन स्टडी फ्रॉम द मोबाइल फ़ोन. सो वी कैन से डैट मोबाइल फ़ोन इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस. ओके, तो मैंने छोटा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक ये वीडियो मैंने मतलब एक ऑडियो मैंने सेट कर लिया. उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जितना भी आपको बोलना हो वो आप उसके बाद उसको सुनना स्टार्ट करना है. क्या आपको सुनने की आदत डालना है, तो क्या करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ हेलो आई एम जो भी आपका नाम हो, मैं बोल रहा हूँ एंड टुडे आई विल स्पीक अबाउट द मोबाइल फ़ोन. ओके, तो इससे क्या होगा, इससे अपना आपका क्या बेनिफिट होगा, सबसे पहले कि इस मोबाइल फ़ोन के इसके माध्यम से रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप अपनी जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो वो मिस्टेक्स को आप रिमूव हो जाएगी आपकी. तो गलतियाँ वो आप गलती सुधार रहे हो, क्योंकि अगर और कोई बोले कि आप ये गलती कर रहे हो तो आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन जब आप खुद सुनोगे और कि ये मैं तो यहाँ गलती करें मतलब अगली बार से आप ध्यान में रखो कि मैं कहाँ मिस्टेक्स कर रहा हूँ. तो एक सबसे अच्छा तरीका है मैंने खोज निकाला कि बिना पार्टनर के आप अंग्रेजी बोल सकते हो, आप बोलने की प्रैक्टिस कर सकती हो. क्योंकि ओपिनियन रखना जरूरी नहीं है कि आपके पास पार्टनर हो, डजेंट मैटर. जस्ट आप अगर ग्रामर सीख रहे हो, ग्रामर आपने अच्छे से सीख लिए, ठीक है, सेंटेंस बनाने आते सब कुछ आते हैं, सब इसी मोबाइल फ़ोन से हो जाएगा पूरा, इसी से आप कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाएगा. ठीक है, अब इस पर कॉन्फिडेंट आया तो फिर क्या करना भाई, आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो, छोटी छोटी वीडियो रिकॉर्ड करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक मतलब थोड़ा सा टाइम लग जितना भी टाइम लगेगा लेकिन टाइम लगेगा. तो बस ऐसा मोबाइल फ़ोन लिया, अगर कोई सामने है तो ठीक, वरना कोई दिक्कत नहीं है. अब ऐसा शूट किया करते हैं ना, ऐसा शूट करते हैं ना, ऐसा बस मोबाइल के सामने बोलना शुरू कर दो. तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा रिकॉर्डिंग करने से और आपकी गलतियाँ सुधार होगी. उसके बाद आपका कॉन्फिडेंट आ जाएगा तो मोबाइल के सामने बोलना, कैमरे के सामने, तो उससे ही आपका कॉन्फिडेंट क्या बिल्डअप होगा.
आपका आई कॉन्टैक्ट, आपके प्रोनंसिएशन, एवरीथिंग विल इम्प्रूव। सो एक सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान तरीका है कि आप अपने अंग्रेजी को बोल सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो इंग्लिश को। तो अगर आप ऐसा 2 से 3 महीने अगर ऐसा करते हैं रेगुलर बेस, आपको चाहे जो भी हो, वॉट एवर मे बी, यू हैव टू शूट वीडियो या यू हैव टू रिकॉर्ड, आपको 10 से 15 मिनट आपको अपने मोबाइल को जरूर देना है, क्योंकि हम वैसे भी 5-6 घंटे मोबाइल एक चलाते हैं, 5 से 6 घंटे एक एवरेज स्टूडेंट से वो मोबाइल चलाते ही 100% फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, मूवीज में, वेब सीरीज में, अदर थिंग में, 10 मिनट इसमें देख रहे देखो 100% आपकी अंग्रेजी इम्प्रूव होगी। और आप चैलेंज लो खुद से, 30 दिन का चैलेंज लो कि मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, मैं रिकॉर्डिंग करूँ डेली 10 मिनट, 30 दिन का चैलेंज ले लो, और आप 1 दिन से 30 दिन तक की आप रिकॉर्डिंग करना, उसके बाद देखना क्या इम्प्रूवमेंट होता है। आप खुद देखोगे इम्प्रूव कितना मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलती कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट मंथ क्या कर सकते हो, कहा वीडियो पर जा सकते हो, वीडियो डेली रिकॉर्ड करो 10 मिनट, 5 मिनट की, 2 मिनट की, 1 मिनट की करो, डेली करो, तो आप उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कितना आपको इम्प्रूव हो सकता है। तो 100% आप बिना पार्टनर के आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो, जस्ट मैं यह कह सकता हूँ। तो आज की वीडियो थी, आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, और हर जहां आप शेयर करना चाहो स्टूडेंट्स को, हर जगह फैला दो, बिना पार्टनर के आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो। और अगर आपको पार्टनर चाहिए तो मैंने बता दिया ऐप, मैंने बताया था एक हेलो लैट्स इंग्लिश ऐप है, तो उसमें आप पार्टनर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे अगर कॉन्फिडेंट नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, तो इससे आप ट्राई कर सकते हो, 100% आपको इंप्रूवमेंट होगा, बस ट्राई करके देखना, दिस इज माय ओपिनियन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।